हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। इस ओलंपिक में देश की बेटियां खूब कमाल कर रही हैं और ऐसी ही एक बेटी है पीवी सिंधु, जिन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीतकर ओलंपिक में तिरंगा लहराया। पीवी सिंधु से इंडिया टीवी के समीप राजगुरु ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, देखिए ये पूरा इंटरव्यू। नमस्कार और आप सभी का स्वागत है, मैं हूं समीप राजगुरु। लेकिन आज बात एक ऐसे शख्सियत की है जहां 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का केंद्र बिंदु है पीवी सिंधु, यानी कि फोकल पॉइंट यहां पर। और पीवी सिंधु हमारे साथ हैं। सिंधु, कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाइयां हम सब के तरफ से। जो आपने कमाल किया है उससे हमारा जो सीना है वो गर्व से ना सिर्फ चौड़ा हो गया है, तिरंगा भी ऊपर है, बल्कि हम सब जो हैं इतने खुश हैं हम आपको बता नहीं सकते। और वाकई में जिस शाम आप जीते हैं ना, वो हमको भी नींद नहीं आ रही थी। और आप सबसे पहले यही बताएं कि ये लगातार जो कमाल आपने किया है, और सही मायने में आप सुपर गर्ल नहीं, हिंदुस्तान की वंडर गर्ल है, क्या कहेंगे अपने इस अचीवमेंट के बारे में जो एक ऐतिहासिक अचीवमेंट है? ऑफकोर्स बहुत खुश हूँ, क्योंकि यू नो ओलंपिक मेडल लेके आना उतना इजी नहीं है, और बैक टू बैक ओलंपिक्स मेडल, क्योंकि 2016 में सिल्वर था और अभी फिर से टोक्यो में ब्रॉन्ज। तो डेफिनेटली इट्स यू नो जर्नी बहुत अलग है, अप्स एंड डाउन्स थे, कभी कभी जीतती थी, कभी कभी हार जाती थी, तो बहुत इन्वॉल्वमेंट और सबका इन्वॉल्वमेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेम्बर्स, सपोर्ट स्टाफ एंड यू नो अ लॉट people. So I think overall journey bahut acha raha and I've learned a lot more, but altogether you know jab wo medal aata hai, I mean it is you know you just like it's your dream come true and finally you know you have proved and you've achieved it. So definitely wo mera bhi ek dream tha and I've achieved it and I've proved it. बिल्कुल। और आपने हिस्ट्री क्रिएट की सिंधु, और ब्रॉन्ज मेडल मैच की बात करते हैं जहां पर ये इतिहास बना। जब आप इस मैच के लिए जा रहे थे, हमने सुना आपने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि आपके दिमाग में कई तरीके की बातें चल रही थी, आप सेमीफाइनल मैच हार गई थी, तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि कैसे आप उस मैच के लिए मेंटली प्रिपेयर हुई, और उस मैच के लिए जब आ रही थी तो आपके दिमाग में क्या था, कैसे आपने फिर सारे अपने आपको गैदर किया, फोकस किया इस मैच में? Well, definitely बहुत इमोशंस था, मिक्सड इमोशंस था, क्योंकि हारने के बाद सेमीज मतलब और एक मैच था, तो शायद खुश रहना है कि यू नो और एक अपॉर्चुनिटी मिला, या यू नो सैड रहना है कि मैंने सेमीज में हार गया, मतलब वो मिक्सड इमोशंस है, क्योंकि वो टाइम पे मतलब क्या करना है समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो मैं बहुत सैड थी, थोड़ा डाउन थी, बट ऑब्वियसली मेरा कोच और मेरा फिजियो ने बहुत मोटिवेट किया था, तो एक ही बोला था कि थर्ड ब्रॉन्ज और फोर्थ पोजीशन में बहुत फर्क है, तो वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, और मैं बस यही सोची कि मैं मेरा 100% देना है। तो उस दिन मतलब समी सोने के दिन मतलब बहुत सैड थी, बट नेक्स्ट डे फिर मैच को लिए प्रिपेयर हो रही थी और शाम को मैच था, वो ब्रॉन्ज लेके ही आना है, वो मेडल लेके ही आना है करके, मतलब अपोनेंट के साइड से भी वही रहता है, बस उस दिन कौन अच्छा खेलता है ना वही जीतता है। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मेरा 100% खेलना है, आई नीड टू बी काम एंड कंपोज एंड जस्ट गिव माई बेस्ट। बिल्कुल। और ये भी मैं पूछूंगा बाद में, लेकिन कि हिंदुस्तान की लड़कियां, हिंदुस्तान की बेटियां जो है क्या खा के गई हैं, या क्या गवर्नमेंट ने ज्यादा ही कुछ अलाउंसेस दिए हैं जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है लड़कों से? लेकिन पीवी, इस ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले सारे जितने बैडमिंटन एक्सपर्ट्स थे, हम जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, तो एक बात कह रहे थे कि जो बेंग जियाओ है वो लेफ्टी है एंड शी इज अ ट्रिकी प्लेयर, तो क्या ये ब्रॉन्ज मेडल मैच भी थोड़ा सा ट्रिकी था, डिफिकल्ट मैच था ये? डेफिनेटली हाँ, क्योंकि ही बिंग जो बहुत ट्रिकी प्लेयर है और लेफ्ट हैंड भी है और बहुत डिसेप्टिव भी है, तो यू नो इजी नहीं ले सकते उसको, क्योंकि मतलब हर एक पॉइंट के लिए यू नो एवरी सिंगल पॉइंट के लिए रेडी रहना है, अगर हम लीडिंग भी है तो भी यू नो रिलैक्स नहीं हो सकता है, तो उसके साथ खेलना उतना ईजी नहीं है, तो इसीलिए यू नो एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मैच के पहले ऑब्वियसली मैंने पहले भी बोला था, वो प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है, बट यू नो बस उधर जाके सब कुछ भूल के बस हमारा गेम खेलना है, वही है, तो बस मैं वैसे ही खेली एंड आई वन एंड वॉट दैट ब्रॉन्ज। बिल्कुल। और वो पल हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो जो 1 अगस्त है ना,
हम ये भी बोल रहे थे, मैं ट्वीट भी कर रहा था कि इसे इंडिया में बैडमिंटन डे बना देना चाहिए और बनना भी चाहिए, क्योंकि वो जो इतिहास आपने रचा है ना वो कमाल है, ऐसा इतिहास कभी हिंदुस्तान में रचा नहीं गया। थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके चलूं सिंधु, सेमीफाइनल की अगर बात करें, जब आप वॉक इन कर रहे थे सेमीफाइनल के लिए ताई यिंग के खिलाफ, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्या आप उसे रिवाइंड करके बता सकते हैं हमें, कि आपको याद है कि क्या चल रहा था उस सेमीफाइनल से पहले आपके दिमाग में? हाँ, सेमीफाइनल्स के दिन पे मतलब पहले जैसे ही वॉक किया था और बहुत प्रिपेयर्ड थी, और मैच में वॉक करते टाइम बहुत कॉन्फिडेंट भी थी, और बस मैं वही सोच रही थी कि मेरा 100% देना है नो मैटर व्हाट। एंड फर्स्ट गेम बहुत अच्छा खेली थी, वो फर्स्ट गेम थोड़ा उधर वो लास्ट 2-3 पॉइंट्स अगर ले लिया होता तो सेकेंड गेम, फर्स्ट गेम जीत के सेकेंड गेम डिफरेंट होता था, बट उधर थोड़ा आई फेल्ट मेरा लक उतना नहीं था, क्योंकि उसको एक नेट कॉर्ड गिरा और मैंने जो टैप मारा वो उठा दिया, तो बस उधर थोड़ा 2-3 पॉइंट उधर चले गए, नहीं तो डेफिनेटली थोड़ा अलग होता था। और सेकंड गेम में भी मैं ट्राई किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं किया, बिकॉज ये ओलंपिक्स है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हर एक पॉइंट ट्राई करना है, क्योंकि कभी मतलब कब क्या होगा पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी कभी लीडिंग रहता है सडनली हार जाता है, कभी कभी बहुत डाउन रहता है जीत जाता है, तो ऐसा होते रहता है, इसीलिए हर एक पॉइंट फाइट करना है, और मैंने ऐसे ही फाइट किया था। बट या एट द एंड ऑफ द डे एक जीतना है और एक हारना है, एंड शी इज डन वेल, तो एंड शी वन। या बिल्कुल, और आपने एक बात और कही ताई ज़ू यिंग को, जब उन्होंने यिंग को की सिल्वर मेडल जीता तो आपने कहा कि मुझे मालूम है कितना दुख होता है कि गोल्ड हाथ में आते आते सिल्वर आ जाए, तो ये फीलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है सिंधु? बहुत सैड थी, तो मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि यू नो एवरी वुमेन एथलीट मतलब वो फ्रेंडशिप रहता है ऑफ कोर्ट, ऑन कोर्ट वो राइवलरी है, वो एक हेल्दी राइवलरी रहना चाहिए स्पोर्ट में, बट यू नो अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट यू नो बाहर यू अंडरस्टैंड कि एथलीट के माइंड में क्या चल रहा है या मैच होने के बाद क्या चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी बहुत बुरा लगता है हारने के बाद, उतना फाइट करके हारने के बाद। तो मैंने उसके पास कही और मैंने बोला कि इट्स ओके, यू नो आज तुम्हारा दिन नहीं है, तुमने बहुत अच्छा खेला था, बट इट इज ओके, आई मीन इट हैपेंड, आई मीन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स यू विन, एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट करके मैंने ऐसे ही बोला था, तो या बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कमाल आपने किया है सिंधु, हम ऐसा दिल करता है कि आपसे पूरी रात भर बात करते रहे, ज्यादा देर नहीं रोकेंगे आपको, आपको वापस हिंदुस्तान भी आना है, हम इंतजार कर रहे हैं आपके स्वागत के लिए भी। लेकिन आपको कहते हैं कि आप बड़े टूर्नामेंट प्लेयर हो पीवी, ये क्या बात है कि आप जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं, ओलंपिक्स जीतते हैं, ये क्या होता है बड़े टूर्नामेंट में आके आपको क्या ज्यादा जोश चढ़ जाता है, होता क्या है, ये प्रिपरेशन बेटर होती है, क्यों है ये? बस मतलब बहुत लोग बोल रहे थे आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट ऐसा भी नहीं है, मतलब आई डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर एवरी टूर्नामेंट, बट यू नो इट्स गुड दैट यू नो बड़े टूर्नामेंट में रिजल्ट लेके आती हूँ, तो एक अच्छी बात है। तो आई मीन प्रिपरेशन वाइज हर एक टूर्नामेंट के लिए एक ही जैसी करती हूँ, ये हर एक टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, और यू नो यू ऑल्सो हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग मेंटली फिजिकली और इंजरी फ्री भी रहना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत मेहनत करना पड़ता है, एंड आई प्रिपेयर माय सेल्फ लाइक ऑल द टाइम, सो या। अच्छा अच्छा सिंधु, एक चीज, 2013 में ली जूरी को हराया जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थी, और ये 2013 से 2021 सात साल का सफर, एक लंबा सफर ही कहलाएगा बैडमिंटन में, जो इतना फिजिकली डिमांडिंग गेम है, तो ऐसे में इस हंगर को बरकरार रखना, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया, 5 मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक सिल्वर, अब आपने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल भी ले लिया, तो इस हंगर को कैसे बना के रखेंगे, जैसा हम देखते हैं नोवाक जोकोविच हो या रॉजर फेडरर, हमारे लिए पीवी सिंधु है, तो इस हंगर को कैसे बना के रखेंगे कि पेरिस में भी जाऊं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज फिर मेडल रिपीट करूं? मतलब ये हम लाइक पैशन रहना है, पैशन टुवर्ड्स द स्पोर्ट रहना है, स्पोर्ट पे इंटरेस्ट रहना है, तभी हम एक यू नो वी विल एंजॉय द स्पोर्ट, और स्पोर्ट एंजॉय करके हम आगे बढ़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो करते रहता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड यू नो
एंड प्ले अकॉर्डिंगली, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है तो भी खेलते हैं, मतलब उसके उसका फायदा कुछ नहीं है. इट इज वेरी, इट शुड बी दैट यू नो, हम लोग किसी ना किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें जाके हार्ड वर्क करना है. एंड आई एम श्योर कभी कभी किसी किसी को सक्सेस बहुत जल्दी आता है, कभी कभी किसी किसी को बहुत टाइम लगता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे पेशेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू नो यू कैन डू इट. एंड आई एम श्योर. तो पीवी सिंधु की हंगर जो है सिर्फ 3 साल है एंड यू आर जस्ट 26. आप बहुत युवा खिलाड़ी हैं और पेरिस सिर्फ 3 साल दूर है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पीवी की भूख बरकरार रहेगी, पैशन बरकरार रहेगा पेरिस 2024 तक. Yes, क्योंकि I will play Paris, but yeah, उसके पहले I just want to be in the moment, enjoy the moment and cherish the moment. क्योंकि it's definitely a much weighted and worthy win, क्योंकि 5 साल हमने इतना मेहनत करके इसके लिए ही मेहनत कर रहे थे. एंड यू नो फाइनली वेन यू गेट दैट मेडल बैक टू द कंट्री, आई थिंक यू नीड टू एंजॉय दैट. तो यस, राइट नाउ आई एम जस्ट इन दैट मोमेंट. You are our superstar, you are our wonder girl, PV, we are so proud of you. एक मजेदार सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लड़कियां क्यों कमाल कर रही हैं, पता है? आप तो टोक्यो में होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा. हम सब लड़कों को ना लड़कियां बहुत चिढ़ा रही हैं, लड़के सब बेकार हैं, सब लड़कियां ही कर रही हैं. ये क्या हो रहा है, कमाल कैसे हो रहा है? मतलब सब लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं बस, ऐसा नहीं है. बट या आई मीन इट इज गुड कि यू नो लड़की लोग अच्छा कर रहे हैं. अभी मेडल ऑलमोस्ट मीराबाई के बाद, मेरा होने के बाद और एक लवलीना भी है. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. सेमीज खेलना है एंड इट्स अ मेडल फॉर हर, सो आई होप शी डज वेल बॉक्सिंग. एंड आई एम श्योर, आई मीन इट्स नॉट लाइक बॉयज, लड़के लोग अच्छा नहीं कर रहे. आई ऑल्सो विश दम ऑल द वेरी बेस्ट. ऑफकोर्स हॉकी भी सेमीज खेल रहे हैं और लड़की लोग भी सेमीज खेल रहे हैं. आई ऑल्सो विश दम ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप दे विल बी कपल ऑफ मेडल्स मोर. एक आखिरी सवाल और एक रिक्वेस्ट. सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आइसक्रीम खाने की बात है, तो वो कौन सा फ्लेवर होगा आइसक्रीम का? मतलब आई डिडंट थिंक अबाउट दैट, बट प्राइम मिनिस्टर सर ने बोला था तो आई मीन देखती हूँ. और रिक्वेस्ट ये है कि आपके नेल्स में भी पैशन दिखा रहा है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं अपने नेल्स में क्या दिख रहा है? Oh, yeah. एक्चुअली ये ओलंपिक रिंग्स है, तो मैंने यू नो ओलंपिक से पहले बस ऐसे ही मैं नेल आर्ट करके गई थी और 5 साल के बाद आई मीन यू नो इट्स डेफिनेटली एवरीबॉडी वेर वेटिंग फॉर दैट. एंड वो ओलंपिक फीवर ऑन था और सब लोग बहुत एंथुजियास्टिक थे और मैं भी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है करवा दूंगी करके कराया था. जी हाँ, लेकिन मैं आपको जाते जाते बोलूंगा सब कुछ आराम आराम से करें, अब जैसा कि आपके कोच कहते हैं. आराम से सिखा दिया आपने कोच को, तो अब क्या बोल रहे हैं वो? आराम से तो बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब जल्दी जल्दी होता है तो गेम में आराम से करके बोलते रहते हैं. बट एज अ कोच बहुत मेहनत किया था एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम. बिल्कुल, पेरेंट्स भी वेट कर रहे हैं. आखिरी सवाल, पेरेंट्स घर पर वेट कर रहे हैं, कल उनकी बात भी हुई थी और आपकी आंट भी हैं, मेंटोर भी हैं आपको, काफी उन्होंने टिप्स भी दिया होगा. मधुमिता बिष्ट हमारे साथ लगातार थी, जो कि इंडिया की एक जमाने में ऐसी चैंपियन थी जिनको कोई कौन हराएगा हम इसका वेट करते थे. आप लोगों ने उस सफर को आगे बढ़ाया, उस लेगेसी को एक अलग लेवल में लेके गए. वो भी कह रही थी कि पीवी में जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो दमखम है, वो लाजवाब है. तो फिलहाल पेरेंट्स से मिलने का इंतजार पीवी? डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट है क्योंकि यू नो वो लोग भी बहुत मेहनत किया था, मतलब बहुत एफर्ट्स लगाया था ये 5 साल और बहुत सपोर्ट किया था, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. मतलब उन लोगों के वजह से ही मैं इधर हूँ एंड द होल फैमिली मेम्बर्स आई थिंक दे रियली रियली सपोर्टेड अ लॉट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ट्रेनर्स, मेरा फिजियोज इवेंजेलिन और श्रीकांत मेरा ट्रेनर है, मतलब वो लोग भी बहुत सपोर्ट किया था. एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली स्पोर्ट्स अथॉरिटीज और बैडमिंटन एसोसिएशंस एंड द होल गवर्नमेंट हैज बीन वेरी सपोर्टिव व्हेनेवर नीडेड, क्योंकि कभी भी कुछ भी चाहिए तो इमीडिएटली दे वुड हैव सेड दे से ओके एंड दे वुड ग्रांट परमिशन. तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम क्योंकि ऑल ऑफ देम वर्क रियली हार्ड एंड सपोर्टेड मी सो मच.
करना भी बनता है, क्योंकि पीवी सिंधु ने वो किया है, आपको शायद ये एहसास नहीं होता होगा, हमें होता है कि जैसे पेले ने ब्राजील के लिए किया, मैराडोना ने अर्जेंटीना के लिए किया, अपने देश को पहचान दिलाई है, पीवी सिंधु ने वो हिंदुस्तान के लिए किया है। थैंक यू सो मच पीवी सिंधु, जो आपने इस देश के लिए किया है, जो कमाल आपने किया है, और इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हम आपके लिए रेड कार्पेट बिछाकर दिल्ली में इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे को वक्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।